आम आदमी पार्टी लगातार यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों में घिरती नजर आ रही है। सबसे पहले बात दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्ला खान की, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल अमानतुल्ला पर उनके साले की पत्नी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला ने रविवार को अदालत में अपना बयान भी दर्ज कराया। इसके साथ ही महिला ने अदालत में एक सीडी और एक पेन ड्राइव भी जमा कराई है। सीडी और पेन ड्राइव में कथित तौर पर महिला और आप विधायक के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड है। पीड़ित महिला ने FIR में कहा है कि मुझे अमानतुल्ला पिछले 1.5 साल से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की, जिसके बारे में जब मैंने अपने पति को आपबीती बताई तो मेरे पति ने भी मेरी मदद नहीं की। महिला का दावा है कि अमानतुल्ला की छेड़खानी और धमकी एक पेन ड्राइव में सेव है, जो अमानतुल्ला के खिलाफ बड़ा सबूत है। इस FIR के बाद अमानतुल्ला ने CM को अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन पार्टी ने इसे नामंजूर कर दिया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये अमानतुल्ला का घरेलू मामला है, इसीलिए पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आप नेता पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। इससे पहले पंजाब में आपके पर्यवेक्षक पर भी नौकरानी से यौन शोषण का आरोप लगा था। आम आदमी पार्टी लगातार घिरती नजर आ रही है। आप अभी संदीप कुमार के CD स्कैंडल से बाहर आई भी नहीं थी कि अब आपके एक और विधायक पर गंभीर आरोप लग गए हैं। हालांकि अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए TV Live।